हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबी डी टी क्लास में। मेरा नाम है राकेश और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बच्चे क्लास टेंथ ट्वेल्थ में सीबीएसई में थे उनका रिजल्ट आने वाला है और उनको रिजल्ट चेक करना है, लेकिन उनको उनका रोल नंबर नहीं पता है। तो जिनको जिनका रोल नंबर नहीं पता है वो अपना रोल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इस वीडियो में हम बताएँगे। ठीक है, क्या हम बताएँगे इस वीडियो में कि वो अपना रोल नंबर कैसे चेक करेंगे, क्लास टेंथ ट्वेल्थ के बच्चे अपना रोल नंबर कैसे चेक करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं भी। ठीक है, कोई भी ब्राउज़र, चाहे वो ओपेरा मिनी हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे कोई भी ब्राउज़र हो, उसको ओपन कर लेना है। तो मैंने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सरकारीरिजल्ट.com। ठीक है, क्या टाइप करूँगा, सरकारीरिजल्ट.com। और इसके बाद मैं इंटर प्रेस करके इसको सर्च कर लूँगा। सर्च करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुल के नज़र आ जाएगा। आपको ये वाला लोगो देख लेना है यहाँ से। ठीक है, आपको इस तरह का लोगो देख लेना है। इतना करने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसे सेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट का सेक्शन है, ये आपका एडमिट कार्ड का सेक्शन है और ये आपका लेटेस्ट जॉब का सेक्शन है। तो रिजल्ट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन। ठीक है, क्या दिखाई देगा, सीबीएसई बोर्ड क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ फाइंड रोल नंबर 2021। तो इस पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस पर सेलेक्ट करने के बाद में सबसे नीचे जाना है आपको। ठीक है, जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन फाइंड क्लास टेंथ ट्वेल्थ रोल नंबर। और इस पे जाने के बाद आप सर्वर वन पे क्लिक करें या सर्वर टू पे क्लिक करें, मैं यहाँ पे सर्वर वन पे क्लिक कर रहा हूँ। सर्वर वन पर क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, रोल नंबर फाइंडर 2021। यहाँ पे मिलेगा प्लीज़ सेलेक्ट योर क्लास, और फिर यहाँ पर मिलेगा क्लास टेंथ, और यहाँ पर मिलेगा क्लास ट्वेल्थ। जो बच्चे क्लास टेंथ में, वो क्लास टेंथ वाले पे क्लिक करेंगे, जो ट्वेल्थ में है वो ट्वेल्थ पे क्लिक करेंगे। मैं मान लीजिए ट्वेल्थ पे क्लिक करके एक रोल नंबर चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा खुल जाएगा आपके सामने। जैसे मैं कैंडिडेट का नेम डालता हूँ, अंबिकेश सिंह। ठीक है, अंबिकेश सिंह। फादर नेम मैं इंटर करता हूँ, फादर का नेम मैं इंटर करता हूँ समर बहादुर सिंह, और मदर नेम मैं इंटर करता हूँ ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैं इंटर कर देता हूँ। और फिर मैं इसे सर्च कर लूँगा। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इधर रोल नंबर है, ये इधर नाम है, और इधर आपका स्कूल नंबर है। स्कूल नंबर आपको लिख के रख लेना है, जब आप रिजल्ट चेक करोगे तो वहाँ पर स्कूल नेम आपसे पूछा जाएगा। फिर ये आपका स्कूल नेम है, आप चाहो तो इस स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आपको रोल नंबर और स्कूल नंबर लिख करके रख लेना है, इसी से आपको आपका रोल नंबर चेक, आपको आपका रिजल्ट चेक होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों का जो रोल नंबर है वो उनके स्कूल कोड से फाइंड होगा। तो जिन बच्चों को उनका स्कूल कोड पता है वो स्कूल कोड से जा करके अपना रोल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे वो जब इसमें आएंगे सर्वर टू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कुछ दूसरी टाइप का इंटरफेस खुल के नज़र आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लास टेंथ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी सेम है, आपको स्कूल कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। इंटर वाले में क्या है कि स्कूल कोड मांगा जाएगा, हाई स्कूल वाले में स्कूल कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इंटर वाले हैं उनमें देखो एक ऑप्शन है स्कूल कोड। ठीक है, ये स्कूल कोड आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा या फिर आपके आई कार्ड पर लिखा होगा, आप वहाँ से जाकर के स्कूल कोड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट डाउनलोड नहीं होता है, आपका रोल नंबर फाइंड नहीं होता है, तो सबसे पहले आप स्कूल पर संपर्क करें। ठीक है, तो थैंक यू।